आप लोगों ने राफेल की लैंडिंग देख ली है, इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि राफेल है क्या और क्यों ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। रक्षा समझौता हुआ था 2016 में फ्रांस के साथ, ठीक है, जिसमें क्या था कि 36 एयरक्राफ्ट यानी लड़ाकू विमानों का समझौता हुआ था जो भारत आयात करेगा, इम्पोर्ट करेगा। कहाँ से? फ्रांस से। फ्रांस की कौन सी कंपनी है, ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। तो दसॉल्ट कंपनी है जिसने इसका निर्माण किया है और 36 एयरक्राफ्ट होंगे। 36 में 28 जो होंगे वो वन सीटर होंगे और जो सेवन होंगे वो टू टू सीटर होंगे। ये सेवन जो होंगे वो ट्रेनी राफेल होंगे, मीन्स ट्रेन करने वाले, और 28 होंगे जो सीमा पर मुस्तैद होंगे किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। मेरा नाम है सत्येंद्र, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। काफ़ी हाईलाइटेड चर्चा ये में रहा राफेल और उसी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये भारत ने खरीदा किससे? फ्रांस से। टोटल कितने खरीदे? 36। कौन से एयरबेस से ये भारत आए? तो वो है मोरिक नेक एयरबेस, ये आप लोगों को याद रखना है। वो लैंडिंग कहाँ पर करी? अंबाला। आए कितने? अभी टोटल पहली खेप जो आई है वो आई है 5 की। और कौन सी कंपनी ने बनाया? दसॉल्ट 36 में, ठीक है। तो बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, राफेल का जो मतलब होता है वो होता है हवा का गहरा या अधिक आग की भावना। इसका हिंदी में मतलब ये निकलता है, जो फ्रेंच भाषा है इसका मीनिंग वो निकलता है कि अधिक आग की भावना, ठीक है। और इसका निर्माण आप लोगों को पता है, मैंने बता दिया, फ्रांस की कंपनी दसोल्ट ने। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि दो इंजनों वाला है, मीन्स डबल इंजन इसके अंदर है। और ये जो मॉड्यूल है वो है कनाई डेल्टा विंग मॉड्यूल पर आधारित है, जो मल्टीलेयर लड़ाकू विमान है, ठीक है। इसकी जो सीट है वो सिंगल और डबल सीट वाला है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। 28 वन सीटर है, सेवन जो है वो है आपके टू सीटर। इसके बाद अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है 2,222 किलो.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसकी स्पीड है, ये मैक्सिमम है, ये याद रखेंगे कितनी स्पीड है, ये इसकी मैक्सिमम है। इसके बाद इसकी जो लंबाई है पूरे एयरक्राफ्ट की, जो इसकी लंबाई है अगर आप देखेंगे इसकी लंबाई, तो वो है टोटल पूरी इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है आपकी 15.30 यानी मीटर। ये इसकी लंबाई हम लोग देख चुके थे, 15.30 मीटर थी। अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है 5.30 मीटर, ठीक है। यानी इसकी ऊंचाई जो टायर से सरफेस से लेकर रोड के और ऊपर तक की इसकी जो हाइट है वो है 5.30 मीटर। इसके बाद हम बात करें, ये 1 मिनट में लगभग 18,000 मीटर, मीन्स 18,000 मीटर का मतलब है कि 18 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई पर जा सकता है केवल 1 मिनट, यानी विद इन अ 60 सेकेंड ये जा सकता है 18 किलोमीटर ऊपर। ये आप लोगों को याद रखना है, यानी 18,000 मीटर भी आ सकता है ऑप्शन में, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें कुछ अत्याधुनिक हथियार लैस हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मिसाइल्स हैं, जैसे मिटी थार, एक एयर टू एयर मिसाइल है जो 100 किलोमीटर एरिया को कवर करेगी। इसके साथ साथ इसमें हैमर एक मिसाइल है जो 70 किलोमीटर एरिया को कवर करेगी, हैमर, ये याद रखेंगे, ठीक है, हैमर, ठीक है। इसके बाद इसमें 300 किलोमीटर मारक क्षमता पर एक स्नैक्स क्रूज मिसाइल होगी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक होगी मीका एयर टू एयर मिसाइल जो 80 किलोमीटर तक के दायरे को कवर करेगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके। इसके साथ साथ अगर इसके वजन की बात करें तो ये कितना वेट लेके जा सकता है, तो ये ले जा सकता है 24,500 किलोग्राम वजन एक साथ लेकर जा सकता है। तो ये आप लोग देखेंगे कि कहाँ चाइना का J20 और पाकिस्तान का F-16 उससे कहीं ज़्यादा है। जो ये चीन का है ये भी आप नोट कर लेंगे, और ये है पाकिस्तान का, ठीक है। तो ये चीन और पाकिस्तान के अब तक के सबसे मॉडर्न फाइटर प्लेन हैं, जो फाइटर एयरक्राफ्ट क्राफ्ट हैं, जो भारत के मुकाबले से बहुत कम है। और भारत का जो राफेल आया है कहीं ना कहीं इनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये 60 घंटे की और अतिरिक्त पोटेंशियल रखता है फ्लाई करने की, मीन्स 60 घंटे,
यानी 60 घंटे ये 60 आवर कंटिन्यू एक्स्ट्रा फ्लाई कर सकता है और रिफ्यूलिंग भी कर सकता है, दूसरे एयरक्राफ्ट से फ्यूल भी लेने की प्रक्रिया को रिफ्यूलिंग भी कहते हैं, वो भी एयर में। ठीक है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य भी हम जान लेते हैं। जैसे राफेल जो है वो पाने वाला भारत जो है चौथा देश बना है। ठीक है, यानी इससे पहले तीन देश, भारत की जो पोजीशन है वो है नंबर 4 पर। ठीक है, इससे पहले अब नंबर 1 फ्रांस ने तो ये बनाया ही बनाया है, फ्रांस के बाद है मिस्र, मिस्र की जो राजधानी है वो कायरा है, याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद जो तीसरे नंबर पर देश है वो है कतर। ठीक है, कतर की राजधानी है दोहा, इसको याद कर लेंगे। तो ये तीन देशों के पास ही ये अभी तक ये प्लेन है, और चौथा देश कौन सा बना है, वो बना है भारत। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और फ्रांस ने ही इन दोनों देशों को ये एक्सपोर्ट किया है, और भारत को भी डिफेंस ट्रीटी के अकॉर्डिंग भारत ने रक्षा समझौता किया था। इसके साथ साथ ये दुश्मन के इलाके के भीतर जाकर भी वहां पर हमला कर सकता है बिना रडार के आए हुए, इसकी एक विशेष क्वालिटी है। ठीक है, और ये हर मौसम में ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, और रडार को चकमा देने में ये बहुत माहिर है। आप यकीन मानिएगा, 100 किलोमीटर के दायरे में अंदर घुसकर ये 1 मिनट में, मीन्स 60 सेकंड में 40 टारगेट एक साथ कर सकता है, 40 टारगेट को एक साथ अटेम्प्ट कर सकता है 100 किलोमीटर दायरे में ये अपने। ठीक है, 100 किलोमीटर के रेडियस के दायरे में, इतना याद रखेंगे। इसके बाद भारत ने, अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, भारत ने कुल 36 ही मंगाए हैं जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और वायुसेना जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया, वर्तमान में एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडिया, तो उन्हीं उन्हीं ने अंबाला एयरबेस पर इनका स्वागत किया है, 29 जुलाई को, डेट भी याद रख लेना। ठीक है, और ये 2016 में जो समझौता हुआ था उसके तहत लगभग 58 हजार करोड़ रुपए का समझौता हुआ था, जिसमें टोटल 36 राफेल का डीलिंग हुई थी भारत और फ्रांस के मध्य में। ठीक है, अब इससे भारत पर क्या होगा कि भारत पर आए दिन जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान वाला भाग है, मैं आप लोगों को देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ मैप के थ्रू, आप थोड़ा समझने की और कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह से आप लोगों को करंट अफेयर के रिलेटेड वीडियोज़ और टॉपिक मिलते रहेंगे। अब ये देख लेते हैं, यहाँ से ये भारत के चाइना का पॉकेट पाक, ये चीन है, यहाँ पर समझने की कोशिश करें, और ये पाकिस्तान वाला एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक समुद्री सॉरी पहाड़ी क्षेत्र है ये सारा का सारा। अब यहाँ पर हमारे पहले सुखोई था हमारे पास, और जो अमेरिका से लिया गया था, लेकिन अब क्या है कि ये भारत ने मॉडिफिकेशन इसमें करवाया, जो इसमें टेक्नोलॉजी है वो इस तरह से अपडेट कराई है, तो बहुत ही बेहतरीन है, और ये यहाँ पर सक्षम है क्योंकि यहाँ पर सियाचिन बॉर्डर है, यहाँ पर भी ये उड़ सकता है आसानी से, हर मौसम में ये फ्लाई कर सकता है। तो साथियों, ये हिम में, ग्लेशियर्स में, उसके ऊपर हर किसी मौसम में फ्लाई कर सकता है। पाकिस्तान से लगे हुए सटे बॉर्डर पर इसकी ज़रूरत थी रेडियस और रडार में लाने के लिए, साथ में चाइना से जो अटैक चल रहा है गलवान घाटी में ये भी, और नेपाल भी, तो उसी को देखते हुए ये भारत की सरकार के द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है, और ये कहीं ना कहीं हमारे आने वाले भविष्य को, भारत के जो बॉर्डर हैं उन्हें सिक्योर करेगी वायुसेना, साथ में भारत को एक पावरफुल देश बनाने की कोशिश करेंगी। बात यह है कि इससे कहीं ना कहीं भारत तो मजबूत होगा, लेकिन एक थोड़ा सा संदेह यह भी है कि क्या भारत के नौजवान, भारत के साइंटिस्ट क्या ऐसा नहीं कर सकते, तो इसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, चलते हैं देखते हैं आगे क्या क्या होता है। वैसे भारत के लिए बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण एक डिसीजन है, राफेल भारत के प्रोडक्ट है, और दूसरे के हथियार को देखकर ही दूसरा दुश्मन देश हमेशा डर ही जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी। थैंक यू, जय हिंद।